मेरे नौजवानों, असल मसला यह है कि मुझे फिक्र यही है कि तुम्हारी तरबियत लाजवाब हो जाए, तुम अपने अखलाक व किरदार में आला हो जाए। इसलिए कुछ नुस्खे, कुछ तरकीबें बताता रहता हूँ। मिसाल के तौर पर, जो शख्स ज़ुबान बंद रखता है, जो शख्स ज़ुबान रखता है, सिर्फ़ आँख और कान से काम लेता है, वो आराम से रहता है। इसको पल्लू से बांध दें। दूसरी बात जो आपसे मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है, आदमी का बेहतरीन मुअल्लिम आदमी किस तरह सीखता है, किससे सीखता है, उसका तजुर्बा है। और ज़िंदगी की ठोकरें हैं, और तजुर्बा है और आला तालीम है। ये तीन चीज़ें हैं नौजवानों, आदमी का बेहतरीन मुअल्लिम और उसका तजुर्बा है और ज़िंदगी की ठोकरें हैं और आला तालीम है। और फिर एक मसला और है, हम जैसे वालदैन के लिए, मैं तो खैर वालदैन से भी ज़्यादा दादा नाना बन गया हूँ, लेकिन जो वालदैन हैं, शादीशुदा लोग हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं, जिसे वालदैन अदब नहीं सिखाते, वो जो पुरानी बात, जिसे वालदैन अदब नहीं सिखाते उसे ज़माने के तल्ख तजुर्बात सिखा देते हैं। जो ठोकरें लगती हैं ना दुनिया की, जब दुनिया की ठोकरें लगती हैं तो फिर उसे सब कुछ आ जाता है, उसे पता लग जाता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी पिछली कैसे गवा दी, मैंने माँ बाप का कहना क्यों नहीं माना। मेरे माँ बाप भी, बाज़ माँ बाप तवज्जो नहीं करते। फिर एक बात, वो पुरानी बात दोबारा दोहरा रहा हूँ, जो दूसरों का अदब नहीं करते उसका अदब भी नहीं किया जाता, फिर सबसे अहम बात क्या है, ज़िंदगी क्या है, वक्त और सिर्फ वक्त। ज़िंदगी क्या है, वक्त और सिर्फ वक्त। और फिर एक और बात बता दूं, मैं कहता रहता हूं अपने नौजवानों से कि अपनी तरफ तवज्जो दो, अपनी फिक्र करो, कुछ देर बैठो, आराम से बैठो, सुकून से बैठो, मस्जिद में बैठो, मंदिर में बैठो, कलीसिया में जाके बैठो। ये इबादत गाह है, दुनिया की बेहतरीन सुकून की जगह है, वहाँ बैठ के ताल्लुक सीखो, समझे। क्योंकि अपनी इस्लाह सबसे मुश्किल काम है नौजवानों, क्योंकि हम दूसरों पे तो तनकीद कर देते हैं, दूसरों पे तनकीद करना आसान है मगर अपनी इस्लाह करना बहुत मुश्किल। ये हैं चंद मामूली बातें, बड़ी अहम बातें हैं, जिसमें पहले बता दिया था आपको, जो शख्स ज़ुबान बंद रखता है और सिर्फ आँखें और कान खुली रखता है,
वो आराम से रहता है, वो आराम से रहता है, वो आराम से रहता है। और आदमी का मुअल्लिम, इंसान का मुअल्लिम, नौजवानों आपका मुअल्लिम तजुर्बा और ज़िंदगी की आला तालीम। इसके साथ साथ जो ठोकरें आपको मिलेंगी खुदा को प्लस में है, प्लस में, बस ये आपका मुअल्लिम बन जाएगा। हम बूढ़े बैठे ना, ये सब प्लस प्लस हैं, इसमें तजुर्बा भी अल्लाह के फजल करम से। अब तो क्या कहेंगे कि हमें तजुर्बा क्या हासिल करना है, अब तो कब्र का तजुर्बा जा क्या करना है, अल्लाह ताला आसान करे। और ये बात बड़ी अहम है कि अपना अपनी इस्लाह के लिए फिक्र करें, आसान काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम नहीं है। दो तीन चीज़ें ज़रूरी हैं अपनी इस्लाह के लिए, अपने से अच्छों को तलाश करके उनकी सोहबत इख्तियार करें, अपने से अच्छे लोगों को तलाश करके उनकी सोहबत इख्तियार करें, और ऐसी किताबें पढ़ें जिसमें सबक मिलता हो, दूसरों के तजुर्बात मिलते हों, और उससे ये पता चलता हो कि आदमी किस तरह ठोकरे खाता है। साहब प्लीज देख लें आप नौजवानों, ये ज़िंदगी जो आपको मस्ताना जवानी की मिली हुई है ना, यही ज़िंदगी वक्त है, यही ज़िंदगी वक्त है, इसको इस्तेमाल करना है, इसको सही यूटिलाइज़ करना है, इसको ज़ाया नहीं होने देना है, इसको ज़ाया नहीं होने देना है। मेरे दोस्तों फिर बाद में कहूँगा कि अपनी इस्लाह बड़ी मुश्किल है, अपनी इस्लाह बड़ी मुश्किल है, आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगी, फिर जाके ज़िंदगी में रौनकें आएंगी, फिर जाके ज़िंदगी में रौनकें आएंगी। मैं जो बात करता हूँ आफियत और अमन की, आफियत और अमन की बात करता हूँ तो पता है उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। तो हम अपनी आँखों से, कान से ज़्यादा काम लें। अगर हम आफियत और अमन दरकार है तो हम आँख और कान से ज़्यादा काम लें और ज़ुबान को बंद रखें। ज़्यादा बात करने से दिल की सोच और फिक्र पर असर पड़ता है, दिमाग पर असर पड़ता है। ज़्यादा बात करने से जो ज़िंदगी है वक्त, उसका ज़िया है। तो दोस्तों ये चंद नसीहत की बातें मेरे नौजवानों इसलिए कर रहा हूँ कि आदम और ईव वार्ड के सिलसिले में आपने कोशिशें तेज कर देनी है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि पूरे दुनिया के नौजवानों को अब नोबेल प्राइज़ की ज़रूरत नहीं है, आदम और ईव वार्ड की ज़रूरत है, ताकि पूरी दुनिया के लिए सच्चाई और ईमानदारी से उनकी मेहनत का फल दिया जाए। पहला फल जो है ना भारत के साइंसदानों को मिलना चाहिए जिन्होंने आसमान चांद पे कमंदे डाल दिए हैं। बस फिर मैं छोटा सा व्लॉग आपको करके आपसे यही दरख्वास्त करूँगा, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना लें, अपनी ज़िंदगी को मिसाली बना लें, जितनी ईमानदारी और सच्चाई से अपना काम करेंगे, दूसरे अदब और लिहाज रखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहारें आएंगी, रोशनी होगी, और अपनी रोशनी से दूसरों को रोशन करेंगे। अच्छा भाई।
ये चंद नसीहतें ज़रूरी हैं। ऐसे ही मैं कुछ छोटी छोटी बातें करता रहूँगा, बड़ी बातें तो होती ही रहती हैं।